फ्रेंड्स वेलकम अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम दी एलिमेंट्स बुक। इससे पहले हमने इसका बेसिक कंसेप्ट किया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फ्रॉम दी फर्स्ट क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज। हमें डिफ्रेंशिएट करना है फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने फॉर्मूले देखे थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के भी, एक्स की पावर एन है जैसे, उसके भी हमने डिफ्रेंशिएट किया था लास्ट वाली वीडियो के अंदर, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट करते हैं, ये हमारा फंक्शंस है यानी कि वाई इक्वल टू एफ एक्स हमारा ये है 2x² - 3x + 1, इसकी पावर क्या है 5। हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स डीवाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले क्या बताया था, अगर पावर वाला फंक्शन है तो पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है, देन एक्स वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे 5 पावर आगे आ गई, इसकी पावर क्या बच गई हमें, एक पावर कम करेंगे तो 4। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² - 3x + 1, 5 × 2x² - 3x + 1 की पावर 4। इसका डेरिवेटिव करेंगे, अलग अलग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास पावर आगे आएगी तो ये 4x हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये 2 कॉन्स्टेंट टर्म है ये तो आगे रहेगी, और x² का क्या हो जाएगा 2x, तो ये क्या आ गया इसका 4x, इसका क्या आएगा -3। तो डायरेक्ट हमारा यही आंसर आ गया इसका, dy by dx इक्वल टू 5 × 4x - 3 × 2x² - 3x + 1 की पावर 4। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, y इक्वल टू अंडर रूट वाले टर्म है उनकी बार 15x² - x + 1। ठीक है, तो अंडर रूट x का डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं हम, जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल टू अंडर रूट x है तो इसका क्या मतलब है, x की पावर 1/2। तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इसका, 1/2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे तो -1/2, 1/2 इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, तो 1/2 में इसको क्या लिख सकते हैं रूट एक्स। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन y इक्वल टू रूट एक्स है उसका डिफरेंशिएशन किस फॉर्म का होता है, 1/2 √x होता है। तो यहाँ पे पूरा x की जगह पे ये वाले टर्म है तो 1/2 √15x² - x + 1 हो जाएगा। dy by dx क्या आ गया, 1/2 √15x² - x + 1। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, dy/dx ऑफ 15x² - x + 1, इसका भी साथ में होगा जो अंडर रूट के अंदर टर्म है, जैसे अंडर रूट एक्स का यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करते क्योंकि dy/dx ऑफ x क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ से dy/dx कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 30x - 1/2 √15x² - x + 1। तो ये क्या आ गया इसका, हमारा सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव। डायरेक्ट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x। फिर अंडर रूट एक्स के अंदर जो भी टर्म है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 30x - 1/2 √15x² - x + 1। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही होगा, y = x + √x³ - 1। तो डेरिवेटिव करेंगे, दो फंक्शंस का सम है तो इसका डेरिवेटिव अलग से, इसका अलग से, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ये रूट वाले टर्म है तो 1/2 √x³ - 1। अब डेरिवेटिव क्या होगा, जो अंडर रूट के अंदर टर्म है x³ - 1। तो ये आ गया हमारे पास dy/dx = 1 + 1/2 √x³ - 1, इसका क्या हो जाएगा 3x² और -1 का क्या हो जाएगा 0। तो आंसर आ गया इसका dy/dx = 1 + 3x² / 2 √x³ - 1। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, y = 2x² + 3 / 5/3, x + 5 की पावर क्या है -1/2 है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहां से ये हमारा फोर्थ पार्ट है, y की वैल्यू गिवन है 2x² + 3 / 5/3, x + 5 / -1/2। इस पावर को नीचे लेके आएंगे तो हम प्लस की लिख देंगे, इसको मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, x + 5 / क्या हो जाएगी +1/2। यानी कि u/v फंक्शंस है हमारा, क्या है u/v फंक्शंस है, तो क्वोशेंट वाला रूल लग जाएगा इसके अंदर, ये हमारे u है, ये क्या है v है।
ठीक है, तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी कैसे निकालते थे, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वेयर फिर वी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस में यू डेरिवेटिव ऑफ वी, ये हमारे पास कोसेंट रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डी यू बाई डी एक्स चाहिए और क्या चाहिए, डीवी बाई डी एक्स, तो यू है हमारा 2x² प्लस 3 की पावर 5 बाई 3, वी है x प्लस 5 की पावर 1 बाई 2, डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया, पावर आगे आएगी एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव किसका होगा 2x² प्लस में 3 का 5 बाई 3, 2x² प्लस 3 कम करेंगे तो यहाँ पे 2 बाई 3, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4x और इसका 0। सिमिलरली यहाँ पे dv by dx कितना आएगा, एक पावर 1 बाई 2 पावर आगे आ गई, एक कम करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 और x प्लस 5 का जो डेरिवेटिव करेंगे x का क्या हो जाएगा 1, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं ना इसको। नाउ इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं dy by dx निकालना है, ठीक है, तो v स्क्वायर यानी कि नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस 5 1 बाई 2 है इसका स्क्वायर होगा, फिर ये v यहाँ पे एज इट इज एक्स प्लस में 5 की पावर 1 बाई 2 इंटू में क्या होगा du बाई dx और du बाई dx की हमारी ये वैल्यू इंटू में 5 बाई 3, ये 5 बाई 3 2x² प्लस 3 की पावर 2 बाई 3 और इंटू में क्या है 4x, ठीक है, और माइनस में, माइनस में u, u की वैल्यू क्या है 2x² प्लस में 3 की पावर 5 बाई 3 और इंटू में dv बाई dx 1 अपॉन में 2 रूट x प्लस में 5। हमने du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में पुट किया है, नीचे v का स्क्वायर v इंटू में du बाई dx माइनस में u इंटू में dv बाई dx, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, यहाँ पे देखो 2x² प्लस में 3 की पावर 2 बाई 3 है और यहाँ पे क्या है पावर हमारी 5 बाई 3 है, तो अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लें, पावर कॉमन निकालेंगे, ये x प्लस 5 की पावर 1 बाई 2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम dy बाई dx क्या आ गया यहाँ पे, हम इसको सोल्व करेंगे तो 20xy3 x प्लस 5 की पावर 1 बाई 2, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इनटू में 2x² प्लस में 3 की पावर 2 बाई 3, यहाँ पे क्या आ गया 2x² प्लस में 3 की पावर 5 बाई 3, नीचे क्या है इसके अंदर 2 है, ये पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो गई, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लें dy बाई dx, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके छोड़ देंगे, ठीक है, वरना यहाँ तक भी आंसर ठीक है इसका 20xy3 है ये एज इट इज, यहाँ से x प्लस 5 की पावर क्या है 1 बाई 2 बाहर ले ली, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे क्या थी x प्लस 5 की पावर माइनस 1 बाई 2 है, इसकी हमने क्या बाहर ली है पावर 1 बाई 2 बाहर ले लिया, ऐसे ही 2x² प्लस में 3 की पावर 2 बाई 3, नीचे भी x प्लस 5 की पावर 1 बाई 2 और होल का स्क्वायर था तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो गई, ये नीचे पावर कितनी बच जाएगी, ये नीचे वाला नहीं लिखा हमने, x प्लस 5 की पावर 1 ही हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू में 2 कैंसल आउट हो गए 1 ही आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमने इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ली यहाँ पे, अब यहाँ से 2x² प्लस में 3 की पावर 2 बाई 3 बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 20x x प्लस 5 की पावर 1 बाई 2 और नीचे क्या है 3, यहाँ पे क्या बच गया 2 बाई 3 हमने बाहर ले ली पावर, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 ही पावर बची है ना इसकी, 2x² प्लस 3 की पावर 1 ही बची है क्योंकि 2 बाई 3 प्लस में 1 करेंगे तो 5 बाई 3 हो जाएगा और इंटू में क्या है ये, इसको नीचे ही लिख लेते हैं अंडर रूट एक्स प्लस में 5 यही बचा है और नीचे 2 भी है इसके साथ, ये वाला 2 और इसको नीचे ले आए और नीचे क्या है हमारे पास x प्लस में 5। अब ऊपर एलसीएम ले देते हैं 2x² प्लस में 3 की पावर 2 बाई 3, एलसीएम कितना आ गया 6 रूट एक्स प्लस में 5, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 40x 3 2 जा, ठीक है,
और ये अंडर रूट एक्स प्लस फाइव की अंडर रूट एक्स प्लस फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स प्लस फाइव ही आएगा। यहाँ पे सिक्स रूट एक्स प्लस फाइव आया था तो टू रूट एक्स प्लस फाइव के ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो ये फोर्टी एक्स अंडर रूट की इसके साथ करेंगे तो ये कंप्लीट पावर होगी। यहाँ पे थ्री के साथ करनी है हमें मल्टीप्लाई क्योंकि ये है टर्म टू थ्री जा थ्री के साथ करेंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस में नाइन डीवाई बाई डी एक्स कितना आ गया है यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर टू बाई थ्री इसको सोल्व करेंगे तो फोर्टी एक्स स्क्वायर प्लस में टू हंड्रेड एक्स माइनस में सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस में नाइन और अपॉन में क्या है सिक्स रूट एक्स प्लस में फाइव तो यहां से कितना आ गया थर्टी फोर तो डीवाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास टू एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री की पावर टू बाई थ्री ये थर्टी फोर एक्स स्क्वायर प्लस में टू हंड्रेड एक्स माइनस में नाइन और अपॉन में क्या था सिक्स रूट एक्स प्लस में ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन एक बार फिर से देखो ये हमें गिवन था यू बाई वी फोर तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है वी का स्क्वायर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस में यू डी वी बाई डी एक्स तो यू हमारी ये वाले टर्म है इसको अलग से लिख दिया वी ये है देन डी यू बाई डी एक्स ये आ गया डी वी बाई डी एक्स ये आ गया तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर दिया यहाँ पे क्या था वी वी इंटू में डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू में डी वी बाई डी एक्स और नीचे क्या था वी का स्क्वायर इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमने टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर टू बाई थ्री बाहर ले ली तो यहाँ पे ये वाली टर्म बच गई माइनस में यहाँ पे फाइव बाई थ्री थी इसकी पावर टू बाई थ्री बाहर ले ली तो ए की पावर बची क्योंकि टू बाई थ्री प्लस में वन करते हैं तभी फाइव बाई थ्री आता है ठीक है तो एक पावर बच गई टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर वन और ये इसको नीचे लिया है टू रूट एक्स प्लस फाइव अब यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया सिक्स रूट एक्स प्लस फाइव इसको सिंप्लीफाई किया तो डेरिवेटिव आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री की पावर टू बाई थ्री थर्टी फोर एक्स स्क्वायर टू हंड्रेड एक्स माइनस में नाइन अपॉन में सिक्स रूट एक्स प्लस में फाइव। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट नीचे इसमें एक्स प्लस फाइव की पावर वन भी बचा हुआ है ऊपर देखो डिनोमिनेटर के अंदर एक्स प्लस फाइव ये तो हमारा एलसीएम आया था ठीक है साथ में ये भी करेंगे एक्स प्लस में फाइव तो यहाँ पे वन बाई टू पावर है यहाँ पे वन है तो इसकी होल पावर यहाँ पे नीचे कितनी आ जाएगी थ्री बाई टू ये ध्यान नहीं रहा था हमने एक्स प्लस फाइव की पावर वन। नेक्स्ट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में वन ये भी यू बाई वी फोर है फिफ्थ पावर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू का होल स्क्वायर अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में वन यू बाई वी फोर देन डेरिवेटिव करेंगे हम y क्वोशेंट रूल नीचे क्या होता है v का स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में वन का होल स्क्वायर ठीक है अब v आता है ऊपर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में वन अब डेरिवेटिव किसका होता है u का u यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में टू का होल स्क्वायर माइनस में u एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर डेरिवेटिव किसका होता है v का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में वन यहाँ पे आ गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में वन डेरिवेटिव करेंगे इसकी पावर आगे आएगी अब एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा सिक्स एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में वन का होल स्क्वायर यहाँ पे देखो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में वन यहां से क्या कॉमन ले लें हम 2x ये कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे 3x square plus 1 है लेकिन यहीं से कॉमन लिया जाएगा बस 3x square plus में 1 यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने 2x into में x square plus में 2 एक पावर 2 यहाँ पे है तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 2 ही बच गया माइनस में यहाँ पे 3 into में x square plus में 2 की पावर नीचे क्या था थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में वन का होल स्क्वायर ये वाले टर्म तो एज इट इज थी यहाँ से मतलब कि इन दोनों वाले टर्म में से हमने कॉमन क्या ले लिया टू एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में टू तो यहाँ पे क्या बच गया ओनली टू बच गया टू की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे फिर और माइनस में थ्री इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में टू और नीचे क्या था थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में वन का होल स्क्वायर मीन्स वी का स्क्वायर
इस टू के साथ हम अंदर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने इन पूरे टर्म में से ही कॉमन लिया है 2x प्लस में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में, ठीक है। 2 इंटू में 3x स्क्वायर प्लस में 1 और ये माइनस में ये बचा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू x स्क्वायर प्लस में 2, ये x स्क्वायर है, अंदर क्या आ गया 6x स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 3x स्क्वायर और माइनस में 6, नीचे क्या है 3x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स 2x इंटू में x स्क्वायर प्लस में 2, ये कितना आ गया यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस में 4, नीचे क्या है 3x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। बस हमें इसको क्या करना है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है ये देखना है। तो कॉमन क्या निकाल लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 2 निकालना पड़ेगा यहाँ से कॉमन, तो 2x x स्क्वायर प्लस 2 हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 इंटू में x स्क्वायर प्लस 2 और 2 की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस में 1, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, दो बार अंडर रूट हमें गिवन है, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। y की वैल्यू ये है x स्क्वायर प्लस में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, इसको हम क्या पुट कर लेते हैं, u पुट कर लेते हैं, पुट u इक्वल टू, ठीक है, x स्क्वायर प्लस में इस अंदर वाले को u पुट कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो सबसे पहले y हमने किस में चेंज कर दिया, u वाली फॉर्म के अंदर, तो पहले क्या निकलेगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, यानी कि 1 अपॉन में 2 रूट यू, क्योंकि रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। अब u क्या था हमारा ये, अब u का क्या किसके रिस्पेक्ट टू निकलेगा x के, क्योंकि x के अंदर है 2x प्लस में ये रूट वाली टर्म है, तो 1 अपॉन में 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव अंदर वाले का भी होता है d बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो du बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास 2x प्लस में, इसका क्या आ गया डेरिवेटिव, इसका तो जीरो, इसका क्या आ गया 2x अपॉन में 2 रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन सबसे पहले dy बाई डी यू इंटू भी क्या लिखेंगे du बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि y फंक्शन था u का, u फंक्शन था x का, dy बाई डी यू की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 2 रूट du बाई डी एक्स, क्या है यहाँ से कितना आ गया 2x प्लस x अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है ना हमारा, ये तो हमारा क्या था 2x प्लस में 1 अपॉन में 2 रूट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था। अब u की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं हम, dy बाई डी एक्स क्या आ गया 1 अपॉन में 2 रूट u, u क्या था हमारा ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में 2x प्लस में x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही तो है हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आ गया 1 अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया x हमने बाहर ले लिया यहाँ से, ठीक है, x क्या ले लिया हो यहाँ से बाहर, 2 इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव, ठीक है, रूट वाले टर्म का। तो हम इसको कोई भी फंक्शन से पुट करके इजिली सोल्व कर सकते हैं, जैसे हमने इसको u कह दिया था तो अब y फंक्शन u का बन गया, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, फिर u फंक्शन x का है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा dy बाई डी यू इंटू में डी यू बाई में डी एक्स, यू की वैल्यू यहाँ पे पुट की, यहाँ से एलसीएम लिया, ऊपर से x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से ये हमारा क्या आ गया इसका डेरिवेटिव, थोड़े से लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। सेकंड करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में 2ab, ये कंप्लीट रूट के अंदर ही है, ठीक है, तो y फंक्शन हमें गिवन है इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में 2ab, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग रूट के अंदर,
ए स्क्वेयर माइनस में टू ए बी। अब यू पुट कर लेते हैं हम एक्स स्क्वेयर माइनस में टू ए एक्स, पुट यू इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस में टू ए एक्स। तो यहां से वाई किस फॉर्म में हो गया, रूट यू अपॉन में, ये तो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है ना ए बी वाला, रिस्पेक्ट टू तो हमें एक्स करना होता है और यू ये है, तो यहां से dy बाई डी यू निकालेंगे, तो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, ये आगे आ जाएगी, रूट यू का करेंगे तो वन अपॉन में टू रूट यू। नाउ डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका क्या हो गया 2x, इसका क्या हो गया यहाँ पे 2a। नाउ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी यू इंटू में डी यू बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू ये है वन अपॉन में टू रूट यू, और साथ में क्या है अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस में टू ए बी। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस में 2a, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, x माइनस में ये नीचे क्या है टू रूट यू ए स्क्वेयर माइनस में टू ए बी, टू से टू क्या हो गया कैंसिल आउट। अब u की वैल्यू पुट कर देते हैं, u हमारा ये है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस में a अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस में टू ए एक्स ए स्क्वेयर माइनस में टू ए बी। ये हमारा क्या आ गया इसका डेरिवेटिव आ गया। एक बार फिर से देखो, हमने अलग अलग इस पे रूट लगा दिया क्योंकि नीचे वाली टर्म तो ए बी के अंदर दे रखी है, वो कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसको हमने यू कह दिया एक्स स्क्वेयर माइनस में टू ए एक्स को, तो वाई इस फॉर्म के अंदर हो गया यू के फॉर्म में अंडर रूट यू अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस में टू ए बी अंडर रूट के अंदर। इसका डीवाई बाई डी यू निकालेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, अंडर रूट यू का वन अपॉन टू रूट यू, यू ये था एक्स के फॉर्म में, तो डी यू बाई डी एक्स ये आ गया। अब डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, डीवाई बाई डी यू इंटू में डी यू बाई डी एक्स दोनों की मल्टीप्लाई, ऊपर से टू कॉमन लिया और नीचे हमने यू की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, एक्स अपॉन में ए माइनस में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यू बाई वी हमें फॉर्म गिवन है, y इक्वल टू एक्स अपॉन में a माइनस में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये u है फंक्शन, c क्या है v, u बाई वी फॉर्म है। देन डेरिवेटिव करेंगे हम नीचे वाले का, क्या करते हैं स्क्वेयर करते हैं, a माइनस में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, रूट रिमूव हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव करने से पहले, वरना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आ जाएगा ऐसे भी, लेकिन पहले हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं नीचे वाले का। तो a प्लस में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर से ही मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर, a प्लस में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स इंटू में a प्लस में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, यही होगा ना, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। तो ये सोल्व होके आ गया x इंटू में a प्लस में ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, नीचे ए स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर बचा है तो ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे पावर x। अब ये u बाई वी फॉर्म है, अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं dy बाई डी एक्स, नीचे v x दे है तो x का स्क्वेयर हो गया, x इंटू में du बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ a प्लस में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, माइनस में u एज इट इज, a प्लस में अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर dv बाई डी एक्स, v x है हमारा, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स इंटू में इसका डेरिवेटिव ए का तो जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा रूट वाली है, तो वन अपॉन टू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस टू एक्स, माइनस में ए प्लस में ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, इसका क्या हो गया वन, नीचे क्या है एक्स स्क्वेयर, डीवाई बाई डी एक्स माइनस में टू एक्स स्क्वेयर अपॉन में टू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस ए माइनस ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, नीचे क्या है एक्स स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वेयर ए इंटू में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और माइनस में ये क्या हो गया ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये भी रूट कंप्लीट पावर बन गई, नीचे क्या है एक्स स्क्वेयर, तो माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस में ए रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस को अंदर लेके गए यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से एक्स स्क्वेयर।
ठीक है, तो ऊपर से हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, माइनस ए कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस में ये आगे भी माइनस ए बचा है, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया इसका डेरिवेटिव। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका रेशनलाइजेशन किया है रूट वाले टर्म को रिमूव करने के लिए, तो यहां से ये फॉर्म आ गई, ये प्लस में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, इसका डेरिवेटिव बाई क्वोशेंट रूल किया हमने, नीचे वी का स्क्वायर वी इंटू डीयू बाई डीएक्स माइनस यू इंटू डीवी बाई डीएक्स, इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ गया माइनस ए कॉमन ले लिया, यहां तक भी छोड़ सकते हो, माइनस ए इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में ए अपॉन में एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, नीचे एक्स स्क्वायर के साथ में ऊपर हमने जो एलसीएम लिया है वो टर्म भी बची हुई है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया था यहाँ पे हमने, ठीक है, तो ये नीचे आ गया था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ये वाले टर्म भी हमें साथ में लिख लिया ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस में अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स प्लस में अंडर रूट ए माइनस है, इसमें भी हमारे पास रूट है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो बीच में प्लस है तो माइनस वाले से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर भी यही टर्म है ए माइनस एक्स और ये भी ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिंप्लीफाई किया तो ये टू एक्स बच गया, यहाँ पे ऊपर इसको सोल्व किया तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में टू ए बी, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे टू ए माइनस में टू रूट ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू नीचे वाले टू से कैंसिल आउट हो गया, तो ये वाले टर्म आ गए हमारी सोल्व हो गए। अब यू वाई वी रूल लगाएंगे हम, नीचे इसका स्क्वायर एक्स एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इसका तो जीरो हो गया, इसका क्या आएगा माइनस वन बाई टू रूट के अंदर नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की पावर और एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स माइनस में, ये टर्म एज इट इज इसका डेरिवेटिव वन अपॉन में एक्स, यहाँ पे देखो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स एक्स अपॉन में ये बच गया, ठीक है टू से टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में ए माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में, नीचे हमने रूट एलसीएम ले लिया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सोल्व करने पे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस में ए इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर बच जाएगा ए माइनस में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सोल्व किया हमने, ठीक है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में क्या बच गया देखो ए इंटू में ये एलसीएम लेने पे ए इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को अंदर लेके गए यहाँ पे रूट इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ये भी रूट वाली ये भी रूट वाली, तो ये क्या बन गई पूरी वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बाहर माइनस था इसको अंदर लेके गए तो ये टर्म एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये टर्म बची है ए स्क्वायर माइनस ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे ये वाली है ऊपर से ए कॉमन लिया तो ए इंटू में ए माइनस में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, थोड़े से लेंथी है लेकिन इजी है मेथड एक ही है। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वन माइनस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में वन अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में वन, यहाँ भी क्या करेंगे हम रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का करेंगे तो बीच में प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में टू ए बी, नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा टू ही बचेगा, ऊपर इसको सिंप्लीफाई किया टू एक्स स्क्वायर माइनस में टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में वन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे फिर से तो टू हमने कॉमन लिया तो नीचे वाले टू से कैंसिल आउट हो गया तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में वन। अब इसको कंप्लीट इसमें लिख सकती हूँ ना मैं रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में वन तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये क्या बन गया हमारा सोल्व हो गए एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर रूट एक्स की पावर फोर माइनस में वन वाई हमारा ये फंक्शन बन गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या हो गया टू एक्स इसका डेरिवेटिव रूट के फॉर्म में है तो वन अपॉन में टू रूट एक्स एक्स की पावर फोर का फोर एक्स क्यूब ये टू से कैंसिल आउट हो गया टू एक्स माइनस में टू एक्स क्यूब अपॉन में अंडर रूट एक्स की फोर माइनस में वन
टू एक्स हमने कॉमन निकाल दिया, तो वन माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स की पावर फोर माइनस में वन, ये क्या आ गया इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट सिक्स्थ, y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्यूब रूट दे रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी पावर वन बाय टू है, इसकी वन बाय थ्री है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसमें ऊपर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, इसमें माइनस था, तो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की है तो माइनस की, रेसिप्रोकल करते हैं तो आप देखो इनको कंबाइन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर क्या होती है एड होती है, ठीक है, पावर क्या होती है एड होती है, तो वन बाई टू और माइनस में वन बाई सिक्स, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारी पावर क्या आ जाएगी वन बाई सिक्स आएगी। तो यू हमने क्या पुट किया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इस तरह से हम इसको एड करेंगे, ठीक है, थ्री और माइनस में टू, तो ये पावर वन बाई सिक्स बच गई हमारी, इस तरह से यू हमने ये मान लिया, ये तो u की पावर 1 बाई सिक्स बन गई y, तो dy बाई du क्या आ गया 1 बाई सिक्स, एक पावर कम करेंगे तो u की माइनस फाइव बाई सिक्स। अब u ये है u बाई v फंक्शंस है, क्वोशेंट रूल से इसका du बाई dx निकालेंगे, तो नीचे इसका स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई किया इसका डेरिवेटिव ही आ गया। तो यहाँ से 2x मैंने कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे अंदर लेके गए माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, टू ए स्क्वायर बच गया, टू ए स्क्वायर की 2x के साथ मल्टीप्लाई फोर ए स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर टू। नाउ हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है, वो क्या होता है dy बाई डी यू इंटू में डी यू बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी यू की वैल्यू क्या थी ये वाली है वन बाई सिक्स इंटू यू की माइनस फाइव बाई सिक्स, डी यू बाई डी एक्स ये आया है, यहां से इसको सोल्व किया ये थ्री भी चला जाएगा, वन बाई सिक्स यू की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस फाइव बाई सिक्स, ये फोर ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया तो ऊपर यहाँ पे पावर क्या बच गई थी टू, टू ए स्क्वायर ये टू और ये थ्री, तो टू ए स्क्वायर एक्स अपॉन में थ्री इंटू में ए स्क्वायर, इसको अगर हम नीचे लेके आएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी ना माइनस फाइव बाई सिक्स, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फाइव बाई सिक्स, ठीक है, और ये पावर वन है यहाँ पे और इसकी पावर टू है, ठीक है, ये क्या थी हमारे सॉरी इसकी पावर क्या थी फाइव बाई सिक्स थी, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो इसको हम नीचे लेके आए हैं, ठीक है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो फाइव बाई सिक्स इसकी पावर है और इसकी टू है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर कितनी आ गई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर सेवन बाई सिक्स। सो डेरिवेटिव आ गया हमारे लास्ट पार्ट का टू ए स्क्वायर एक्स अपॉन थ्री इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर फाइव बाई सिक्स इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर सेवन बाई सिक्स। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये टू क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी थे क्लियर होंगे, अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।